गेहूं बुआई का रकबा मौजूदा रबी सत्र में अब तक पिछले साल की इसी अवधि के मुकाबले 15% बढ़कर 101,49,000 हेक्टेयर पर पहुंच गया है। वहीं दलहन बुआई के रकबे में गिरावट देखने को मिली है। कृषि मंत्रालय ने आंकड़ा पेश कर इसकी जानकारी दी है। बुआई के ताजा आंकड़ों के अनुसार इस रबी सत्र में 18 नवंबर तक 101,49,000 हेक्टेयर में गेहूं की बुआई की गई है, जबकि पिछले साल समान अवधि में यह रकबा 88,46,000 हेक्टेयर था। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक पंजाब में 7,18,000 हेक्टेयर में गेहूं की बुआई हुई है, जबकि राजस्थान में 4,24,000 हेक्टेयर में, तो वहीं उत्तर प्रदेश में 2,59,000 हेक्टेयर में गेहूं की बुआई की गई है, जबकि महाराष्ट्र में 1,05,000 हेक्टेयर क्षेत्र में गेहूं की फसल बोई गई है और गुजरात में 67,000 हेक्टेयर में गेहूं की बुआई की गई है। हालांकि दलहन की बुआई का रकबा इस रबी सत्र में अब तक कम यानी 73,25,000 हेक्टेयर में हुआ है, जो एक साल पहले की अवधि में 76,08,000 हेक्टेयर में किया गया था। दलहनों में चना की बुआई 52,57,000 हेक्टेयर में की गई है, जबकि पिछले साल इसी अवधि में चने की बुआई 52,83,000 हेक्टेयर में की गई थी। दरअसल मुख्य रबी फसल गेहूं की बुआई अक्टूबर में शुरू होती है और कटाई मार्च अप्रैल में। गेहूं के अलावा चना और सरसों फसल वर्ष 2022-23 के रबी सत्र के दौरान उगाई जाने वाली प्रमुख फसलें हैं। वहीं तिलन के मामले में लगभग 66,81,000 हेक्टेयर में 6 प्रकार के तिलन बोए गए थे, जो एक साल पहले की अवधि में 59,22,000 हेक्टेयर से अधिक है। इस अवधि में पिछले साल के 55,13,000 हेक्टेयर के मुकाबले ज्यादा क्षेत्रों यानी 63,25,000 हेक्टेयर में रैपसीड और सरसों बोया गया है। वहीं मोटे अनाजों की बात की जाए तो आंकड़ों से पता चलता है कि उक्त अवधि के में पहले के 19,80,000 हेक्टेयर के मुकाबले 19,24,000 हेक्टेयर में मोटे अनाज बोए गए हैं, जबकि उक्त अवधि में 7,21,000 हेक्टेयर के मुकाबले 8,03,000 हेक्टेयर में चावल बोया गया है। इस रबी सत्र में 18 नवंबर तक सभी रबी फसलों के तहत कुल रकबा अधिक यानी 268,80,000 हेक्टेयर है, जो एक साल पहले इसी अवधि में 250,76,000 हेक्टेयर से थोड़ा अधिक है। आपको बता दें कि इस साल रबी फसलों की बुआई के समय बारिश भी हुई थी, इसके बावजूद भी ये आंकड़ा काबिले तारीफ है। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स टीवी।